Hello, good morning student, welcome to Zen class. We will study here effect of change of temperature. In this chapter, in this point, change of temperature means tapman mein parivartan. If increasing the temperature, then any solid change into the liquid, when increasing the temperature, liquid change into the gaseous state. Other point, या opposite word में आते हैं reversing. If cooling the temperature, यानी decreasing the temperature, gaseous state change into liquid state, or continuous decreasing the temperature, liquid change into the solid state. Here, otherwise defined to the main points. Melting points. Melting means fusion. Fusion means होता है पिघलना. The process in which a solid substance change into liquid on heating is called melting point. वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई solid temperature increase करने पर और पिघलना शुरू कर देता है या पिघलता है उसे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. मतलब जिस पॉइंट पर स्टार्ट हो जाता है इसे मेल्टिंग करते हैं, नॉट पर मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट द टेम्परेचर मीन्स डिफिनिट टेम्परेचर एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट्स एंड चेंज इनटू लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस. सच एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स इज 63 डिग्री सेंटीग्रेड. मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड मेल्ट होना स्टार्ट होता है उसे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. तो सभी लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंस होता है. बिकॉज ऑल सॉलिड सब्सटेंस मेड ऑफ द डिफरेंट अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स. व्हिच सॉलिड सब्सटेंस अट्रैक्शन फोर्स इज वेरी हाई, देयरफॉर इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज ऑल्सो हाई. एंड देयर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल इज वेरी लो, देयर मेल्टिंग पॉइंट इज ऑल्सो लूज मतलब कम. तो किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का डेफिनेट टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पर वह मेल्ट होना स्टार्ट होता है उसे ही हम लोग द मेल्टिंग द टेम्परेचर बोलते हैं, यानी डेफिनेट टेम्परेचर बोला जाता है. डेफिनेट टेम्परेचर पे कोई वस्तु मेल्ट होना स्टार्ट होता है. बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग मीन्स होता है वेपोराइजेशन. वेपोराइजेशन मतलब वेपर में बदलना. द प्रोसेस इन विच लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू गैस रिपीटली ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग. जब हम लोग किसी लिक्विड को कंटिन्यूअस हीट प्रोवाइड करते हैं तो एक ऐसा समय आता है वह उससे बबल्स निकलना स्टार्ट होता है और यह बबल्स बहुत तेजी से गैस में कन्वर्ट हो जाता है. इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग और इसका दूसरा नाम है वेपोराइजेशन. बॉइलिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है. बॉइलिंग पॉइंट का मतलब एनी लिक्विड एट ए डेफिनेट टेम्परेचर चेंज रिपीटेडली इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट हैव द डिफरेंट लिक्विड हैव द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट. सच एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज 78 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज 39 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इसका मतलब यह हुआ कि सभी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है क्योंकि उसकी डेंसिटी अलग होती है. डेंसिटी अलग होगा तो टेम्परेचर मोर देन क्रिएट करेगा और मोर देन टेम्परेचर पर वो बॉइल होना स्टार्ट होगा. जैसा कि हमने यहाँ दिखाया कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर है जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और अल्कोहल 78 डिग्री सेंटीग्रेड है. इसका मतलब है कि अल्कोहल जो है वह वाटर से लेस डेंसिटी है, यानी उसकी डेंसिटी कम है और वाटर की डेंसिटी अल्कोहल से मोर देन है, इसलिए इसको बॉइल होने में अधिक टेम्परेचर की जरूरत होती है और इसको बॉइल होने में टेम्परेचर की कम जरूरत होती है. नेक्स्ट पॉइंट फ्रीजिंग. फ्रीजिंग मतलब सोलिडिफिकेशन. अब हम लोग अपोजिट पे आते हैं. द प्रोसेस चेंज ए लिक्विड इनटू ए सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग. मतलब
जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो कोई लिक्विड और सॉलिड कन्वर्ट सॉलिड रूप में आता है, इस प्रोसेस को हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं। जब टेम्परेचर लो किया जाता है तो उसके पार्टिकल एक दूसरे से क्लोजली आते हैं और क्लोजली होकर एक टाइट पैकेट बनाते हैं और जिसके कारण वह लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग और फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस है। यहाँ द टेम्परेचर इसका मतलब हुआ डिफिनिट टेम्परेचर का इंडिकेट करता है। कोई भी लिक्विड जब सॉलिड शेप में आ रहा है तो उसके लिए चेंज ऑफ टेम्परेचर बताते हैं, लेकिन जब कोई लिक्विड एक डिफिनिट टेम्परेचर पर वह लिक्विड से सॉलिड रूप में आता है उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो डिफरेंट टेम्परेचर का फ्रीजिंग पॉइंट भी डिफरेंट होता है। सच एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0°C, बदर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अदर, ये सभी का फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंस होता है क्योंकि इसकी डेंसिटी अलग होती है। कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ गैस और वेपर ऑफ ए लिक्विड बाय कूलिंग इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। मींस कोई भी गैस टेम्परेचर डिक्रीज होने पर यदि वह लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। ये डिफिनेशन है, सभी डिफिनेशन को लर्न कर लेना है और इसे रिपीटली आप कॉपी पर प्रैक्टिस करिए, याद करिए, ये अपने आप ही अपने एग्जाम में आ सकता है और इससे आगे प्रोसेस को आगे चैप्टर में समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक्स।